ट्रॉफी के अंतर्गत आता है, उनके शाखा प्रबंधक के द्वारा सूचित किया गया था कि 18 तारीख को 18/2/2023 को बैंक कर्मियों के द्वारा जानकारी दिया गया कि उनकी शाखा में सेंधमारी की घटना घटित हुई और इस घटना में पश्चिम दिशा में अवस्थित जो स्टेशनरी कक्ष है उसकी खिड़की को तोड़ते हुए मुद्रा तिजोरी कक्ष में प्रवेश करके इसमें रखा 12 बोर का डीजी बीएल बंधु और 12 बोर का 10 कारतूस चोरी किया गया। तो इस संबंध में हमने तुरंत टेक्निकल इंटेलिजेंस के द्वारा इसका उद्भेदन किया। इसमें शामिल जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी की गई। उसका नाम बिमल कुमार टेटा ओपी के ही तुलसी चक्कर रहने वाला व्यक्ति है। उसके पास से चोरी गई एक बंदूक, 10 कारतूस और लोहे की खंती भी बरामद की गई और ये 24 घंटे के अंदर ही इस महत्वपूर्ण मामले का हम लोगों ने उद्भेदन किया है। तो इसके पहले भी उस बैंक में एक बार सेंधमारी का मामला है, वो अभी हम लोग उसको देखेंगे कि उसमें क्या मैटर है क्या नहीं। फिलहाल तो अभी ये जो हमारा फ्रेश आया था इंसिडेंट, इसमें हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की। इसके अलावा भी जो बाकी कश्ती है पेट्रोली है उसके लिए स्पेशल निर्देश दिए हुए हैं कि प्रॉपरली रात की गश्ती है उसको विशेष तौर पे परिवार वाइज है वो बनाया गया है, उसको गश्ती को करेंगे। किसी के द्वारा अगर लापरवाही बरती जाती है गश्ती पेट्रोली में तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी बिहार पुलिस सप्ताह भी हम लोग मना रहे हैं, इसके अंतर्गत सभी थाना ओपी में टीमें बनाई गई हैं जो हर एक गाँव में जाएंगी, वहाँ गांव में जाकर और लोगों से इंट्रैक्शन करेंगी, पुलिस से अपेक्षाओं के बारे में फीडबैक लेंगी और उस पर कार्रवाई की जाएगा किया जाएगा। इसमें 20 फरवरी से 26 फरवरी तक यह कार्यक्रम निर्धारित है जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी होंगे। एक ब्लड डोनेशन कैंप भी इसके लिए पुलिस केंद्र में आयोजित किया गया है ताकि पुलिस कर्मियों के द्वारा जो रक्तदान हो उसको जो नीडी व्यक्ति हों उनके काम में लगे। मैं पीछे कुछ घटनाओं का इसमें जिक्र करूँगा। उसमें एक घटना हुई थी मकर यूपी के अंतर्गत जिसमें भुवनेश्वर यादव की हत्या हो गई थी गोली मारकर और उनकी पत्नी के फर्जबयान के आधार पर उसमें मर्डर का केस किया गया था। इस घटना की उद्भेदन के लिए जो कि अज्ञात का केस हुआ था एक स्पेशल टीम मेरे द्वारा बनाई गई थी, उस स्पेशल टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया और 24 घंटे के अंदर ही इसमें इसका उद्भेदन हो गया। जो बातें आई थी वही थी कि जो मृतक भुवनेश्वर यादव थे उनकी 3 बेटियाँ और ही थी, कोई पुत्र नहीं था और इनके पास 6 बीघा जमीन के बंटवारे को लेकर इनके दामाद और भुवनेश्वर यादव के बीच में मनमुटाव चल रहा था और भुवनेश्वर यादव अपने जीवन में अपने दामाद को संपत्ति का हस्तांतरण नहीं करना चाहते थे जबकि अपने भाई के लड़के और गांव वालों को आर्थिक मदद ये करते रहते थे। इसी रंजिश के कारण जो इनकी पुत्री हैं सुनीता देवी उनके पति मनोज कुमार के द्वारा बदले की भावना से भुवनेश्वर यादव को मारने की योजना बनाई गई थी और अपने एक साथी की वजह से उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये मामला आया था और इसमें हम लोगों ने तुरंत ही उद्भेदन किया और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हुए इनकी गिरफ्तारी भी की। उद्भेदन के बाद एक देसी कट्टा, एक देसी थर्नट और एक प्लेट भी बरामद किया गया था। उसके बाद 7 तारीख को हमारे यहाँ भेलावर ओपी के अंतर्गत एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी और इस पर जो स्थानीय थाना है वो ग्राम बनियारी पहुँचा। वहाँ पर एक व्यक्ति को जिसका नाम संजय कुमार है और ये भेलावर ओपी का ही रहने वाला है, इसके पास से एक देशी कट्टा लोडेड 5 जिंदा कारतूस बरामद किया गया था और इसमें फरियाद दर्ज करके कार्रवाई की गई थी। 9/2/2023 को टाउन थाना के अंतर्गत ये गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि पीजी रोड में जो HDFC बैंक है उसके ATM में एक व्यक्ति के द्वारा ATM मशीन के साथ कुछ छेड़छाड़ की जा रही है। इस सूचना पर जब स्थानीय थाना वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर एक व्यक्ति को इन्होंने हिस्सा करता पाया जिसका नाम शुभम चौरसिया पाया गया। इस शुभम चौरसिया के पास से जब तलाशी ली गई तो एक पिलास, एक पेचकस और 3 ATM भी बरामद किए गए और इस संबंध में जहानाबाद थाने के द्वारा टाउन थाने के द्वारा FIR दर्ज करके कार्रवाई की गई।